फ्रेंड्स, मैं हूं सोम नैनझाड़ और आज हम करने वाले हैं मधुबन। तो अब हम बनाएंगे भगवान श्री कृष्ण के पैर। तो भगवान श्री कृष्ण के पैर बन चुके हैं, अब हम बाकी का स्केच करेंगे। तो पूरा स्केच रेडी हो चुका है, मैंने बना लिया है और अब हम देंगे बैकग्राउंड को कलर। मैं बैकग्राउंड को ब्राउन कलर दूंगा। अब डे टू में हम लोग करने वाले हैं बैकग्राउंड को कलर। तो पानी रेडी है, पेंट्स भी रेडी है और ये भी रेडी है, ब्रशेस भी रेडी है, ब्रशेस। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट पेंटिंग। तो अब मैं बैकग्राउंड को कलर देने जा रहा हूँ। मैं एक्रेलिक ब्राउन कलर यूज़ कर रहा हूँ, आप पोस्टर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अब हमारा बैकग्राउंड बन चुका है और ये देखिए ओम की करामत, सारा पानी गिरा दिया। और अब देते हैं कृष्णा जी को स्किन कलर। मैं स्किन कलर में ब्लैक दूंगा कृष्ण जी को। तो अब हमने कृष्ण जी को ब्लैक स्किन कलर दे दिया है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब प्लेटफॉर्म की बारी, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं प्लेटफॉर्म। अब मैंने प्लेटफॉर्म को थोड़ा बढ़ा दिया है क्योंकि मुझे थोड़ा पतला लग रहा था। ये दो लाइन बना दिए और अब चलिए प्लेटफॉर्म को डेकोरेट करते हैं। ओके, अभी हमने प्लेटफॉर्म को आउटलाइन कर लिया है ब्लैक जेल पेन से और ऐसे डिज़ाइन बना रहा हूँ मैं। बेसिक डिज़ाइन है, आपको आ ही जाएगा। और उसके बाद हम श्री कृष्ण के कपड़ों को कलर देंगे। तो अब मैंने जो दो पतली लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर डॉट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ऊपर और नीचे दोनों की तरफ। तो अब मैंने ये सारे डिज़ाइंस बना लिए, बस ये छोटे छोटे डॉट्स निकालने बाकी है और मिडल में एक डिज़ाइन और कलर। अब हमारा प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है, बस कलर देना बाकी है। अब श्री कृष्ण के क्लोथ्स को कलर देते हैं। तो क्लोथ्स को हमने कलर कर दिया है और क्लोथ्स के लिए हमने यूज़ किए हैं ये कैमलन के ब्रश पेन्स, इससे थोड़ी मुझे आसानी हुई। तो क्लोथ्स को हमने वाइट ही रखा है, सिर्फ थोड़े बेसिक लाइन्स ऐड किए ताकि ड्राइंग रियलिस्टिक लगे। सो लेट्स डू द नेक्स्ट स्टेप। तो सारे आउटलाइन मैंने किए हैं ब्लैक और वाइट पेन से दोनों। वाइट जेल पेन मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है ताकि थोड़ी आसानी हो मुझे डॉट वगैरह निकालने में। और आप अगर वाइट जेल पेन नहीं है आपके पास तो आप ब्रश से भी कर सकते हैं। और मुझे ऊपर की साइड में एक किरीट का और एक वो पार्ट बनाना है क्योंकि वहाँ खाली खाली लग रहा है मुझे। तो कैसे तैसे करके, मत पूछो कैसे करके, मैंने बना दिया ये वाइट कलर से और मैंने बॉर्डर लाइन भी बनाई है। तो लेट्स वर्क ऑन बॉर्डर लाइन, उसे ब्लैक करते हैं। तो मैंने वो किरीट का पार्ट कर लिया है और बॉर्डर्स भी अच्छे से मैंने कवर कर लिया है ब्लैक से। और अब मैं थोड़ा और डिटेल्स डालता हूँ, जैसे कि मेरे साइन और बहुत कुछ। ओके, तो अब मैंने डिटेल्स डाल दिए हैं, जैसे कि मैंने बॉर्डर लाइन कवर कर लिया ब्लैक से, साइन डाली है और नाउ इट्स फोटो टाइम।